अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आज, वो है हमारा घूर्णी निर्देश तंत्र एवं कोरियोलिस बल, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कि कोरियोलिस बल तो अभी थोड़ी देर बाद आएगा, पहले हम घूर्णी निर्देश तंत्र को समझते हैं। ठीक है ना, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी तक जो हम निर्देश तंत्र देख रहे थे, हमने क्या देखा कि आपका कोई फ्रेम एस है, ठीक है, और एक कोई दूसरा फ्रेम एस डैश था जो स्थिर भी हो सकता है, इसके सापेक्ष विवेग से गतिशील भी हो सकता है। ठीक है, अब वो नियत वेग से भी हो सकता है, त्वरण से भी हो सकता है, वो फिर हम डिफरेंशिएट कर देंगे जड़त्व या अजड़त्व में। मैं तो एक जनरल केस की बात कर रहा हूं कि इस प्रकार की जो स्थिति थी, ये जो इस प्रकार की जो निर्देश तंत्र की गति होती है वो आपके कहलाती है स्थानांतरित गति। ठीक है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, स्थानांतरित गतिशील निर्देश तंत्र। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन अब हम जो केस कंसिडर कर रहे हैं वो है हमारा घूर्णी निर्देश तंत्र। तो वो स्थिति कैसी होगी उसको आप इस डायग्राम से बड़े आराम से समझिए। जैसे देखिए आपका क्या है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका एस, क्या है एस, ये इसकी एक्सिस एक्स है, इसकी वाई है और ये इसकी जेड है। जैसा मैंने पहले बताया एक्स वाई जेड में से कोई भी एक्स हो सकती है, कंडीशन क्या है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो फ्रेम एस है जो स्थिर है, अब एक दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश है जो एस के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ओमेगा से, हम ये केस ही कंसिडर करके चल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जब आप कभी भी स्टैंडर्ड डेरिवेशन को सॉल्व करते हो, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या होते हैं, कुछ अजम्पशन उस तरह से लेके चलते हैं ताकि हमें प्रॉपर वे में रिजल्ट्स मिल जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आपका निर्देश तंत्र एस क्या है, स्थिर है, और एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश एस के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ओमेगा से, इस लाइन को मैं लिख देता हूं एक दफा, नियत, अब यहां वेग कौन सा है, कोणीय वेग है ओमेगा, वहां एक ही वेग था पहले, नियत कोणीय वेग ओमेगा से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इस चीज को, आप जहां जिस तरह वहां नियत वेग इंपॉर्टेंट था, यहां नियत कोणीय वेग इंपॉर्टेंट है। तो नियत कोणीय वेग ओमेगा से इस प्रकार गति कर रहा है कि दोनों के मूल बिंदु क्या है, समपाती है, यानी चाहे O की बात करो चाहे O डैश की बात करो, दोनों क्या है, सेम है, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। तो वो स्थिति कैसी होगी, वो स्थिति आपकी इस तरह की होगी, ये देखिए ये इस तरह से घूम रहा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एंगल तो आप जानते हो ओमेगा इनटू टी, ये आपका हो गया एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई डैश और ये हो गया आपका जेड डैश, और ये निर्देश तंत्र जो आपका क्या है, एस डैश है। तो ये इस तरह की स्थिति होगी, ये क्या है, घूर्णी निर्देश तंत्र। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सिचुएशन वही है, एस और एस डैश है, आपको क्या निकालना है, रूपांतरण समीकरण निकालनी है, यानी आपको एस का पता होगा और एस का पता होगा एस डैश में, उस भौतिक राशि का मान ज्ञात करोगे, और रूपांतरण समीकरण का सेम वही तरीका है, स्थिति का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण और बल का रूपांतरण। तो बस हम वही काम आगे बढ़ाएंगे, आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, इस डायग्राम को आप ध्यान रखिए। ओमेगा क्या है, नियत कोणीय वेग है। एक दफे वापस बोल देता हूं, घूर्णी निर्देश तंत्र के अंतर्गत हमने क्या बताया कि आपका एक निर्देश तंत्र एस है जो स्थिर है और एक अन्य निर्देश तंत्र एस डैश एस के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ओमेगा से इस प्रकार गतिशील है कि दोनों के मूल बिंदु कैसे है, समपाती है। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी क्या होगी, हमने कंसिडर कर ली। इस केस के साथ अब हम क्या करेंगे, रूपांतरण समीकरणों को निकालेंगे। सबसे पहला केस हम ले रहे हैं स्थिति का रूपांतरण, चलो उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वेरी इजी है, बस आप सुनते जाइए बड़े ध्यान से, आराम से हो जाएगा। तो फर्स्ट केस हम क्या ले रहे हैं, स्थिति का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजिशन वेक्टर। तो बस जैसे मान लो ये आपका कोई बिंदु P है जहां पर कोई m द्रव्यमान का कण है, मान लो इस बिंदु P के निर्देशांक अगर मैं s फ्रेम में देखो, वो क्या हो जाएंगे, r t हो जाएंगे, और s डैश में क्या हो जाएंगे, r डैश t, क्योंकि t डैश मत करना, क्योंकि हम पहले से एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि t डैश और t क्या है, सेम है, तो ये r डैश। अब इस हिसाब से तो, और आपको ये भी पता है, इस r को मैं कैसा लिख सकता हूं, इस r को मैं लिख सकता हूं OP इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आर का मान है। अब मैं आर डैश लिखना चाहूं तो आर डैश मेरा क्या होगा, आर डैश होगा एक्स डैश आई कैप डैश
प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। और यहां मैंने आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश अलग अलग क्यों लिखे, क्योंकि आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश क्या है, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है उसकी क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्षों के अनुदिश एकांश सदिश है, ठीक है ना। तो आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश रेस्पेक्टिवली इन फ्रेम एस डैश, ठीक है। ये आई जे के अलग है, आई डैश जे कैप डैश के कैप डैश अलग है, ये क्यों अलग है, ये तो फिक्स रहेंगे क्योंकि एस फ्रेम तो फिक्स है, जबकि ये मोशन में है तो आपका बार बार बदल जाएगा। अब मान लो टी टाइम बाद ऐसे हो गए तो आई कैप डैश होगा और टी टाइम बाद बदल जाएगा। तो एक चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं कि इसको बड़े ध्यान से सुनना, आगे काम आएगी। जो आपका आई कैप जे कैप और के कैप है वह समय के सापेक्ष स्थिर है, क्योंकि निर्देश तंत्र एस के आपका फिक्स है, और जब फिक्स है तो अगर मैं डी आई कैप अपॉन डी टी लिखना चाहूं तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। उसी प्रकार से डी जे कैप अपॉन डी टी भी जीरो आएगा और डी के कैप अपॉन डी टी भी जीरो आएगा। लेकिन अगर मैं आई कैप डैश जे कैप डैश और के कैप डैश की बात करूं तो ये समय के सापेक्ष स्थिर नहीं है, क्यों, क्योंकि एस डैश फ्रेम खुद क्या है, टी टाइम के साथ ओमेगा नियत कोणवेग से मोशन में घूर्णन गति कर रहा है, तो ये भी बदल जाएंगे। टी टाइम पर ये है, किसी टी डैश टाइम पर ये और अलग हो जाएंगे, किसी टू टी टाइम पर और अलग हो जाएंगे। तो इससे एक चीज ये पता चलेगी आपको कि डी आई कैप डैश अपॉन जो डी टी है वो नॉट इक्वल टू जीरो, अभी थोड़ी देर बाद आएगा लेकिन मैंने आपको यही क्लियर कर दिया। उसी प्रकार से डी जे कैप डैश अपॉन डी टी और डी के कैप डैश अपॉन डी टी भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो यहां से तो क्या है, अब इस डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है, चूंकि मूल बिंदु संपत्ति है तो चाहे आर डैश हो चाहे आर, दोनों ओपी क्या है, चाहे ओपी लिखो चाहे ओ डैश भी लिखो, दोनों सेम है। तो इससे मैं एक चीज क्या लिख सकता हूं, इससे मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको किसके बराबर कर सकता हूं, इसको मैं आर के बराबर ले सकता हूं। तो इस स्थिति में तो आर और आर डैश दोनों क्या है, समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये आपने क्या मिल गया, स्थिति का रूपांतरण मिल गया। वहां पर क्या था, पहले वाले केस में हमने क्या देखा था, जो आर डैश था वो आर माइनस वी टी था, ठीक है। इस चीज का और इस चीज में अंतर है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन अलग है, वहां सिचुएशन अलग थी, यहां सिचुएशन थोड़ी अलग है। तो ठीक है, ये स्थिति का रूपांतरण हो गया। अब अगला हमारा क्या आएगा, वेग का रूपांतरण, तो चलो उसको भी डील करते हैं, ठीक है। आप देखिए वेग का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेग क्या होता है, dr by dt होता है। तो वेग के रूपांतरण को पढ़ने से पहले या इसको डिटेल को डेरिवेशन को डिटेल में करने से पहले हम दो तीन चीजें थोड़ी समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चूंकि निर्देश तंत्र s स्थिर है इसलिए आप लिखना है, चूंकि s स्थिर है इसलिए dI cap अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी जे कैप अपॉन डी टी तथा डी के कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, चूंकि ऐसी स्थिर है और एस डैश जो है वो एस के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ओमेगा से गतिशील है, इसलिए आगे आप नहीं लिखना, चूंकि जो एस डैश है वो एस के सापेक्ष नियत कोणीय वेग ओमेगा से गतिशील है, इसलिए डी आई कैप डैश अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी जे कैप डैश अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी के कैप डैश अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो नहीं है, आप यह रीजन लिख देना, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं, आप जब इस लेक्चर को सुनो और कॉपी में नोट करो तो इस तरह से करना। अब मैं वापस क्लियर कर देता हूं कि सारी चीजें इस तरह से बोर्ड पर लिखने से क्या होगा, लेक्चर आपका लेंथी हो जाएगा। तो बजाय उसके आप आराम से इसको पॉज करके सुनिए और उस तरह से चीजें लिखते जाइए। मैं बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में आपको सारा टॉपिक बता रहा हूं, जहां भी आपको लिखना हो आप आराम से उस वीडियो को पॉज कीजिए, एक दो दफे सुनिए और फिर आराम से नोट कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं पूरा डिटेल डेरिवेशन के हिसाब से ही बोल रहा हूं और जो चीज लिखनी होती है वो मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। थोड़ी स्मार्ट, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो स्मार्ट स्टडी भी हमें करनी पड़ेगी, ठीक है, टाइम का बेटर मैनेजमेंट करना होता है। तो ये हो गया, तो अब देखिए, तो अब मुझे क्या है, इसका मान चाहिए, इस राशि का और इस राशि का और इस राशि का।
तो वो मैं कैसे निकालता हूं, उस चीज को आप यहां समझिए। देखिए आपको पता है कि वी इजिकल टू, यानी वेग ही वेग जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ये सब जानते हो आप, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर होता है। और जो वी होता है वो क्या होता है आपका, डी आर अपॉन डी टी होता है। अब इस फॉर्मूले से मैं क्या, एक ऑपरेटर या संकारक, ठीक है ना, वो डेवलप कर रहा हूं, ठीक है ना, वो कैसा डेवलप कर रहा हूं उसको आप समझिए। क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूं, डी बाई डी टी ब्रैकेट ओमेगा क्रॉस ब्रैकेट। अब अगर मान लो इस ब्रैकेट में मैं अगर आर लिखता हूं तो सेम की सेम राशि में यहां लिखता हूं, तो देखिए यहां अगर मैंने आर लिख दिया और यहां भी आर लिख दिया, ये क्या बन जाएगा, वी इक्वल ओमेगा क्रॉस आर बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये इस फॉर्मूले से ये एक प्रकार का संकारक निकल करके आ गया कि d by dt of bracket is equal to omega cross bracket। तो ये इस तरह का संकारक होगा, यहां पर आप जो राशि लिखोगे वो राशि आपके मान के रूप में आ जाएगी। तो अब देखिए बिल्कुल मुझे क्या चाहिए, d i के ब्रेस अपॉन dt चाहिए, तो मैं अगर इस संकारक का यूज कर रहा हूं तो ये देखिए ये d by dt bracket, ये omega cross bracket, अगर मैं यहां i के ब्रेस लिख रहा हूं तो मुझे यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, i के ब्रेस लिखना पड़ेगा। तो इससे मान क्या आ गया, इससे मान आ गया डी आई कैप डेस अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई कैप डेस। तो इस राशि का ये मान आ गया, आगे इसका यूज होगा। उसी प्रकार से इसका मान क्या आएगा, इसके मान को मैं यहां लिख देता हूं डी जे कैप डेस अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे कैप डेस और डी के कैप डेस अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस के कैप डेस। तो ये आपके मान आ गए, इन मान को आप नोट रखिए, आगे काम आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब हमें तो वेग का रूपांतरण पढ़ना है, तो बस वेरी इजी है, चलो वेग के रूपांतरण को करते हैं फिनिश। तो वेग के रूपांतरण के लिए आपको पता है कि जो आपका आर है वो क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मैं इसको डी आर बाई डी टी लिखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस, मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, प्लस एक्स एज इट इज डी आई अपॉन डी टी, लेकिन इसका मान क्या है, इसका मान जीरो है। इसी प्रकार से डीजे के अपॉन डीटी का भी जीरो है, डीके अपॉन डीटी का भी जीरो है, तो वो सारे पद मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, वो सारे पद लिख नहीं रहा हूं, मैंने केवल डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया। इसका जो मान आएगा केवल यही आएगा, डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप, ठीक है। ये डी आर बाई डी टी है और ये किसके बराबर होगा, वी के बराबर होगा। ये वी क्या है, कण का एस फ्रेम में, एस फ्रेम के सापेक्ष वेग। अब आपको ये भी पता है कि जो आपका आर डैश है वो क्या है, आर डैश लिख सकते हो या इसको आप आर भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज है। वो क्या है, एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जेड जेड सॉरी जेड जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करूं, ठीक है ना, इस समीकरण का टी के सापेक्ष अवकलन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है ना, इसका करो डी आर अपॉन डी टी एक्स डैश एज इट इज सॉरी डी एक्स डैश अपॉन डी टी आई कैप डैश एज इट इज प्लस, अब यहां वो टर्म आएगा एक्स डैश एज इट इज और डी आई कैप डैश अपॉन डी टी, अब ये जीरो नहीं होगा, इसका मान होगा, उस मान को हम रखेंगे। उसी प्रकार से डी वाई डैश अपॉन डी टी जे डैश प्लस वाई डैश एज इट इज डी जे डैश अपॉन डी टी प्लस डी जेड डैश अपॉन डी टी के कैप डैश प्लस जेड डैश एज इट इज डी के कैप डैश अपॉन डी टी। और डी आर बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं, वी लिख सकता हूं। अब ये देखो ये एक अलग राशि होगी, इस तरह से डी एक्स डैश अपॉन डी टी आई कैप डैश प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी जे कैप डैश प्लस डी जेड डैश अपॉन डी टी के कैप डैश। इसको 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 मैंने क्या कर दिया, एक साथ ले दिया, और जो पीछे राशि बची वो क्या होगी, पीछे आपके होगी एस डैश डी आई कैप डैश अपॉन डी टी। उस डी आई कैप डैश अपॉन डी टी का मान क्या था वो भी मैं साथ ही लिख रहा हूं, वो क्या देखो एस डैश उसका मान था ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश प्लस वाई डैश ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश प्लस जेड डैश ओमेगा क्रॉस के कैप डैश, ठीक है। तो ये मैंने मान रख दिया डी आई कैप डैश अपॉन डी टी डी जे कैप डैश अपॉन डी टी और डी के कैप डैश अपॉन डी टी, बस मैथमेटिकल कैलकुलस है, इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो ये सारा क्या पूरा डैश वाला टर्म है, यहां भी एक्स डैश यहां भी आई डैश, तो ये पूरा इसको मैं क्या लिखता हूं, और डी डीएक्स बाई डी टी क्या है, डीएक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी डी जेड बाई डी टी वो क्या होता है,
वेलोसिटी किस फ्रेम के सापेक्ष, एस डैस फ्रेम के सापेक्ष। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो वी इज इक्वल टू, ये पूरा क्या सारा का सारा डैश में है, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, वी डैश प्लस। अब देखो मैं इसको क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आप देखिए ओमेगा सब में कॉमन आ गया, क्रॉस करके मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश। बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ ओमेगा क्रॉस बार कॉमन। और ये क्या है, ये आपका है, इसको आप आर डैश भी कह सकते हो या इसको आप क्या कह सकते हो, आर भी कह सकते हो। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर, आर डैश या आर कुछ भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है। तो यहां से मुझे वी डैश क्या मिल गया, वी डैश मिल गया वी माइनस ओमेगा क्रॉस आर। तो ये देखो इधर डैश वाला है इधर बिना डैश वाला है, तो ये आपके क्या आ गया, वेग का रूपांतरण समीकरण आ गया। और इसको आपको एज इट इज याद भी रखना है। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है, इसको बड़े इत्मीनान से आप आराम से नोट करते हुए कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको याद रखना है, v डैश इज इक्वल टू v माइनस ओमेगा क्रॉस r। तो इस लेक्चर में हमने क्या देख लिया, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और उसके अंतर्गत स्थिति का रूपांतरण और वेग के रूपांतरण को हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम त्वरण के और बल के रूपांतरण को कंसिडर करेंगे।